नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में 1 सितंबर को ज्वेलरी शोरूम पर डकैती हुई थी। इसी मामले में पुलिस लगातार जांच में जुटी है। इसी को लेकर डकैती का सीन रिक्रिएट भी किया जा रहा है। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस रिमांड पर लेकर उन्हें बालाजी शोरूम लेकर जाया गया है, जहां पर पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट कर डकैती की वारदात की बारीकी से जानकारी ली। डकैती प्रकरण का मुख्य सरगना सुभाष अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं लूटे गए माल की रिकवरी भी अभी तक नहीं हो पाई है। ये डकैती के हमारे मुलजिम हैं, जिनको पीसीआर पे लिया गया है और सीन रिक्रिएशन और अन्य जानकारी हासिल करने के लिए इनसे इनको पीसीआर पे लिया गया था और जानकारी हासिल की जा रही है। सर, सीन रिक्रिएशन सर किस तरह से किया गया है सर यहाँ पर, कि यहाँ पे कैसे आए थे, कौन कहाँ पे क्या कर रहा था, उसके बारे में जानकारी। घटना से जुड़े बदमाश सर ये डकैती से जुड़े बदमाश। हरिद्वार के औरंगाबाद स्थित पतंजलि योग ग्राम अनुसंधान केंद्र के बाहर ग्रामीणों ने भारी रोष में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान जो है वो ग्रामीणों ने मृतक युवक का शव योग ग्राम केंद्र के बाहर रखकर अपनी मांगे रखी और 15 दिन पहले योग ग्राम के एक वाहन की टक्कर से 35 साल के युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के बाद मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। उनकी मांग है कि युवक के परिवार के एक और सदस्य को नौकरी दी जाए और मुआवजे के रूप में उचित राशि भी जो है वो प्रदान की जाए। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों को शांत कराने का प्रयास भी किया गया है। आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने भारी रोष प्रदर्शन किया है और मृतक का शव बाहर रखकर अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे हैं। ग्रामीणों ने भारी रोष प्रदर्शन की, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं और जहां पर युवक का शव रखकर प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखी गई है। मृतक का शव जो है प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों को रखा गया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं, जहां पर ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों को रखा गया है और योग ग्राम केंद्र के बाहर लोग इकट्ठा हो गए और प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों को रखा है। तो वहीं हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में पानी के नए कनेक्शन के लिए बिल कुछ लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। यहां पर गणपति धाम और आसपास के कॉलोनियों में पेयजल निगम की ओर से दिए गए नए कनेक्शंस में कुछ घरों में पानी के 2 महीने के बिल हजारों में आए हैं। बढ़े हुए ये बिल 5-10 हजार से लेकर 45 हजार तक आए हैं। इतना भारी भरकम बिल देखकर लोग हैरान हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने पेयजल निगम के कार्यालय पर नारेबाजी की है और उपभोक्ता पेयजल निगम के सही बिल देने की मांग कर रहे हैं। वहीं विभाग ने अधिकारियों का भी कहना है कि नए कनेक्शंस में पानी की खपत पता करने के लिए मीटर लगाए गए हैं। आपको बताते चलें कि पूरा मामला स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की है और साथ ही आपको बताते चलें कि बिल देखकर लोग काफी ज्यादा हैरान हैं। पूरा यह मामला हरिद्वार से है, जहां पर पेयजल निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और साथ ही पेयजल निगम के खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। काफी ज्यादा जो बिल हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर आम जन में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिल देखकर लोग काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की है और सख्त से सख्त कार्रवाई की और उनकी मांगों को लेकर मांग की गई है। और मेरा बिल पानी का 40 हजार रुपया आया है और मैं घर में अकेली रहती हूँ। मैंने कितना पानी यूज कर दिया, 2 महीने का बिल उन्होंने 40 हजार रुपया दे दिया और मैं टेंशन में आ गई कि इतना बिल कैसे जमा कराऊँ। मेरे बच्चे और हस्बैंड घर में नहीं रहते, वो जॉब पे रहते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं और मैं इतना बिल दे नहीं सकती। जो हमने प्रथम दृश्यता पाया है
वो ये पाया है कि लोगों के यहाँ पानी तो चल रहा था, पानी चल रहा था, लेकिन वो जैसे पुरानी लाइन है या फिर समर्सिबल है या फिर किसी और तरह का लीकेज है, वो लीकेज हो रहा था। पाया ये गया कि हमारे मीटर ठीक है और उपभोक्ता का जो कनेक्शन है उसमें इतना पानी कंज्यूम हुआ है। तो सर इस हिसाब से इसको जो है यूज करना था, लेकिन क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये चीज़ जो है कम्युलेटिव होती गई और ये बहुत ज़्यादा जो अमाउंट इनका आ गया है। इसे देखा जाएगा, जैसे जैसे लोगों की शिकायत आएगी इस पर विचार किया जाएगा और जहाँ तक होगा उपभोक्ताओं के हित में जो है इसको ठीक किया जाएगा। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गौचर के कमेड़ा और आपको बताते चले कि चतवा पीपल में सड़क पर फिर से मलबा पत्थर आने से बंद हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग के पास भी फिर से भारी पत्थरों के आने के कारण यातायात भी बंद हो गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि चमोली से हैं, जहां पर भारी बारिश आफत बनी हुई है और जिसको लेकर आम जीवन जो है वो आने जाने में अस्त व्यस्त हो गया है, जिनको आवागमन में करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि चमोली से हैं, जहां पर सड़क ना होने के कारण मलबा मार्ग पर आ जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर चट्टाने जो हैं वो गिर गई, जिसके बाद में भारी जाम लग गया और आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। देशभर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में डोईवाला के बुल्लावाला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर सदस्यता अभियान संगठन पर्व का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसमें पूर्व सीएम और साथ ही हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सदस्यता अभियान चलाया गया और वहीं बुल्लावाला की जनता की लंबे समय से चल रही मांग सुसवा नदी पर 18 से 20 करोड़ की लागत से डबल लेन पुल का निर्माण होने जा रहा है। उपाध्याय उनका जन्मदिन है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनके राजनीतिक दर्शन पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, पंडित जी संस्थापक रहे। आज यहाँ पर एक विशेष ड्राइव ये सदस्यता का है कि उनके लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप कि हम पार्टी के अधिकतम मेंबर बनाए, उस निमित्त यहाँ पर आज ये कार्यक्रम था, उनके जन्म जयंती का भी कार्यक्रम था और कई नए लोग यहाँ पर मेंबर बन रहे हैं। सर आप काम शुरू हो गया है, ये बहुत लंबे समय से डिमांड थी ये इस पुल को लेकर के, और जब मैं यहाँ का मुख्यमंत्री बना तो तब इसकी घोषणा की थी। आज हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल जी की उपाध्याय जी की जयंती के शुभ अवसर पर सदस्यता अभियान का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उपस्थित रहे और सभी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे, मंडल पदाधिकारी उपस्थित रहे और अभी उनके द्वारा आज बहुत सारी जानकारियां क्षेत्र में दी गई कि जिनसे अभी लोग अवगत नहीं थे। आज जैसे कि मेन मुद्दा हमारे यहाँ पुल का है जो काफी वर्षों से चला आ रहा है, तो आज उस मेन मुद्दे पे आए और उनसे उन्होंने आज सब जनता के सामने ये बताया कि कैसे करके उस पुल का उन्होंने सहयोग, उनके सहयोग से ही पुल बन रहा है, सुसवा नदी पर पुल बन रहा है और बनने जा रहा है, बहुत जल्द इसका कार्य जो है शुरू होने वाला है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डुओं के प्रसाद में मिलावटी घी की जानकारी सामने आने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से हरिद्वार में भी मिलावटी घी और तेल के बनने वाले पदार्थों को लेकर विशेष अभियान जो है वो चलाया गया है और इसी को लेकर हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में भी खाद्य सुरक्षा की टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दुकान से सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए भेजे गए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी का कहना है कि हमारे द्वारा विशेषकर मिलावटी घी को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले दिनों घी की दुकानों पर भी छापेमारी की गई थी। सर हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार हमारे जनपद में भी घी में मिलावट की आशंका देखते हुए घी, मक्खन, क्रीम
किड सैंपलिंग के लिए अभियान चलाया जा रहा है, विशेषकर उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बीच में भी हम लोग जो कार्रवाई की थी ज्वालापुर में जो हमने सैंपल के लिए थे, और बी के टीम भी सीज किए थे, जो अभी कार्रवाई हमारी प्रोसेस पे है कोर्ट केस पे, और उसके बाद हम लोग आजकल घी के इसलिए अभियान चला रहे हैं, और उसी प्रक्रिया आज हमने यहाँ भी घी का सैंपल भी लिया है, घी यहाँ पे जो बना रहे थे घी लिया है, और कुछ मिठाई भी बनाते पाई गई है, तो मिठाई के भी हम सैंपल ले रहे हैं, और अभी हमने दो सैंपल यहाँ जांच के लिए ले रहे हैं, और उसके बाद ये कार्रवाई लगातार जारी है। चमोली के नारायण बगड़ बाजार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर पोषण युक्त खानपान पर जोर देते हुए जन जागरूकता अभियान चलाया है। इस दौरान लोगों को पोषण युक्त खाने को लेकर जागरूक किया गया, साथ ही जंक और फास्ट फूड से भी होने वाले तमाम तरह की बीमारियों और कुपोषण से बचने के लिए स्थानीय पोषण युक्त अनाजों को दैनिक जीवन में शामिल करने की अपील की है। से 30 सितंबर तक पर वर्ष चलता है, इसमें आप लोगों को स्थानीय अनाजों के उपाय में जानकारी देते, जैसे बाहर का खाना होता है चावल का बीज चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं होता है, घर का जो खाना होता है उसमें बहुत सारे विटामिन वगैरह प्रोटीन वगैरह सारे चीज़ें सम्मिलित होती है। इसमें आप लोगों को पता चलना सितंबर से 30 सितंबर तक प्रत्येक केंद्रों में ये पोषण माह मनाया गया है, इसलिए आज इस संबंध में हमने रैली निकाली है, इससे जितने भी लोग अगल बगल के होंगे जिनके कानों तक ये आवाज़ नहीं गई होगी, इसलिए हमने रैली निकाली ताकि सारे लोग इससे जागरूक हो सकें। ये 2019 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की योजना है, उनका जो ये मिशन है, तो ये मिशन है कुपोषण का जो चक्र है कि उसको कैसे खत्म किया जा सके, तो आंगनबाड़ी आज हर गांव में हर शहर में हर मोहल्ले में आंगनबाड़ी सेंटर है, और आंगनबाड़ी सेंटरों में जो कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से हम लोग हमारे पास जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं, तो हमारा जो मिशन है तो गर्भस्थ शिशु से हमने बच्चे की सही देखभाल, उसको सही पोषण, जो आज हमारा ये मोटा अनाज है, अपने स्थानीय चीज़ों के बारे में जो हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनिक चीज़ों को अपने आहार में यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें हमारे जो संतुलित जो पोषक तत्व हैं उनकी भरपूर मात्रा होती है। दे रहे हैं कि जो हमारा ये पोषण माह चल रहा है 1 सितंबर से और 30 सितंबर तक, इसमें हम पोषण के प्रति लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए ये पोषण माह चलाया जा रहा है, इसको हमने केंद्रों पे आंगनवाड़ियों के माध्यम से भी ये गतिविधियां करवाई हैं, और इसमें यही है कि जो पोषण का मतलब है अच्छा खान पान, तो हमें लाभार्थियों को यही जागरूक करना है कि अपनी स्थानीय चीज़ों का सेवन करें, वो जैसे हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण केवीसी अंशुल सिंह की शहर को सुंदर और हरा भरा बनाने की मुहिम तेज हो गई है। अंशुल सिंह रुड़की असाफ नगर में निर्माणाधीन प्राधिकरण की कॉलोनी को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने यूपी सिंचाई विभाग के साथ साथ तहसील प्रशासन की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है, और इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही कॉलोनियों में जल निकासी के मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को इसका समाधान खोजने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही रुड़की शहर में लोगों को एक बेहतर कॉलोनी गंग नहर किनारे मिलेगी। इस दौरान यूपी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने कहा कि गंग नहर में किसी तरह का ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने दिया जाएगा। इसमें विजिट्स का हमारा ये है कि कई जगह हमें वाटर के इश्यूज आते हैं कि निकासी के इश्यूज आते हैं, खासकर आसफ नगर में जो हमारी परियोजना बन रही है उसमें निकासी का योजना, तो उनसे हम लोग सजेशंस ले रहे थे, नहर में अगर पानी डाल सकते हैं तो क्या उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, अगर नहीं डाल सकते हैं तो क्या ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस रहेंगे, तो एक ये तरीके से एक मंथन भी चल रहा था और साथ में हम लोग देख भी रहे थे कि प्रशासनिक तौर पर क्या फिजिबल है क्या नहीं है। साथ में हमने सुलानी पार्क का भी विजिट करा, वो प्रोजेक्ट रुका हुआ था बिकॉज हमें यूपी इरीगेशन से कुछ एनओसीज आनी थी, तो उनकी तरफ से भी अभी पॉजिटिव रिस्पांस आया है, कुछ हमें प्रोजेक्ट्स को उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम उस प्रोजेक्ट को हम ले सकें। विजिट हमारी जॉइंट विजिट थी, उसमें मेन मुद्दा इनका एक सोलानी पार्क का कंस्ट्रक्शन था, जो कि वो दो नहरों के बीच की फिलिंग रिज का एरिया है, वहाँ पे जो है केवल मतलब एथलीट टाइप के वर्क ही है, ऑलरेडी पार्क बना हुआ है, तो हमारा ऑब्जेक्शन था कि उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, तो अभी एक परियोजना जैसी बनाई जा रही है वाटर पार्क टाइप की, और सहमति बनी है कि डिपॉजिट पे अगर विभाग को देंगे पैसा तो
हायर लेवल से सैंक्शन हो जाएगा प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है तो हरिद्वार में 1 सितंबर को ज्वेलरी शोरूम पर डकैती हुई थी। इसी मामले पर पुलिस लगातार जांच में जुटी है। इसी को लेकर डकैती का सीन रिक्रिएट किया गया है। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस रिमांड पर लेकर उन्हें बालाजी शोरूम लेकर जाया गया, जहां पर पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट कर डकैती की वारदात को बारीकी से जानकारी ली। डकैती प्रकरण का मुख्य सरगना सुभाष अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं लूटे गए माल की जो रिकवरी है वो अभी तक नहीं हो पाई है। ये डकैती के हमारे मुलजिम हैं, जिनको पीसीआर पे लिया गया है और सीन रिक्रिएशन और अन्य जानकारी हासिल करने के लिए इनसे इनको पीसीआर पे लिया गया था और जानकारी हासिल की जा रही है कि यहाँ पे कैसे आए थे, कौन कहाँ पे क्या कर रहा था, उसके बारे में जानकारी। घटना से जुड़े बदमाश है सर ये? ये डकैती से जुड़े बदमाश। देहरादून जिलाधिकारी पद संभालने के बाद से काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जिसके बाद में अब स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए खुद डीएम सविन बंसल तत्पर हैं। और अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में डीएम रहते सविन बंसल ने सभी स्कूलों का रूपांतरण करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऐसे में अब देहरादून में भी शिक्षा में सुधार के लिए कई तरह के पहल शुरू की गई। वहीं जिलाधिकारी ने भी कहा कि स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी और देहरादून जिले के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा। हैं वो शिक्षा विभाग को दिए गए हैं, वो चाहे व्हाइट बोर्ड्स हो, समुचित प्रकाश व्यवस्था हो क्लास में, उनका एम्बियंस कलरफुल करना हो, बच्चों के लिए फर्नीचर हो, प्लेग्राउंड एक्टिविटी हो, एटलीस्ट 1 आउटडोर एक्टिविटी हो, या टॉयलेट्स हो, उनकी किचन हो, डिजिटल स्क्रीन्स हो, सो इसमें रोड मैप ऑलरेडी हमारा रेडी हो गया है, वो प्रसारित भी कर दिया जाएगा। जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान का बजट है उसको रीडू किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड के लिए स्पेशल असिस्टमेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड के लिए 615 करोड़ में से 365 करोड़ वाली पहली किस्त जारी हो चुकी है। उत्तराखंड वित्त सचिव दिलीप जवलकर के मुताबिक उत्तराखंड राज्य को केंद्र से सेस फॉर स्टेट स्कीम के तहत जारी होने वाले 615 करोड़ में से 365 करोड़ की पहली किस्त राज्य सरकार को प्राप्त हुई है। और वहीं ये जो फंड है वो मार्च से पहले पूरा खत्म करना है, इसलिए सभी विभागों के ये निर्देश दिए गए कि वो समय से पहले यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा करवाएं, इस फंड का समय से सदुपयोग जो है वो किया जाए और सभी आव स्थापना विकास के लिए भी, खासतौर पर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जिनका वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करने में असमर्थ रहती है। आपको बताते चले कि राज्य को SAS के तहत फंड जो है वो दिया गया है, समय से सदुपयोग के आदेश भी यहां पर जारी किए गए और केंद्र ने अभी तक 665 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसको फंड जो है उसको रिलीज किया गया है और साथ ही राज्य सरकार के पास पहुंचा है। राजकोष एस के तहत में ये फंड मिला है। खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम रघुलिया निवासी 23 साल के राजेंद्र सिंह को जंगल के किनारे लकड़ी बिनने के दौरान मगरमच्छ ने हमला कर घायल कर दिया है और युवक अपने 2 परिजनों के साथ घर से थोड़ी दूर पर नाला पार करके लकड़ी लेने गया था, जहां पर वापस आते समय नाले में मगरमच्छ ने उसके बाएं पैर को अपने मुंह में जकड़ लिया, जिसके बाद में परिजनों ने बमुश्किल से मगरमच्छ के चंगुल से युवक को छुड़ाया। इलाज के लिए नागरिक चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर युवक का उपचार किया जा रहा है। तैयारी करी, उसने 5 बजे छुट्टी कर दी, घर पे बाहर जलाने के लिए थोड़ी लकड़ी जो घर में से लेके आ रहा था, बस वहाँ पे पानी है, गला गला पानी निकल आया, छोटे छोटे पानी में आते उसने पाँव को पकड़ लिया मगरमच्छ, और 2 लोग निकल रहे थे उन्होंने छिंडवा लिया। बहुत मुश्किल से पूरा गाँव पहुँचा, बाहर भाग के बहुत मुश्किल, मैं बहुत लेट पहुँचा, मेरा घर थोड़ा दूर था। राजेंद्र सिंह नाम से एक व्यक्ति है 22 साल, उनको बुलाया गया है और बताया गया है कि कल उनके ऊपर क्रोकोडाइल ने हमला किया, परंतु अभी जो उनकी चोट है उसके पहले से स्टिचेस लगे हुए हैं, तो अभी हम कुछ उसके बारे में डिटेल में तो नहीं बता सकते। फिलहाल पेशेंट की हालत तो ठीक है, स्टेबल है और उपचार उसका चल रहा है।
मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मदरसों में पहले बच्चे सिर्फ धार्मिक एजुकेशन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब से 2024 में मदरसों के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ाया गया तब से बच्चों का जो परीक्षा फल लगभग 96.5 रहा वो किसी भी बोर्ड के लिए काफी है। यानी इसका मतलब यह है कि मदरसों में भी बच्चों को अच्छी तालीम दी जा रही है। कासमी ने कहा कि मदरसों में 100% रिजल्ट कैसे आए इस पर जोर दिया जाएगा। देखिए, हमने लगातार एक साल हमें होने जा रहा है, 3 अक्टूबर को मैंने चार्ज लिया था और लगभग एक साल हमें मुकम्मल होने को है। और इस साल में हमने जो उपलब्धियां माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उनके उनके दिशा निर्देश में जो उपलब्धियां हमने मदरसों में की हैं या जो मदरसों को फ़ायदा पहुँचा है, तो पहला तो ये है कि वो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का कि बच्चों को, किसी भी समुदाय के बच्चे हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, वो देश की धरोहर हैं, प्रदेश की धरोहर हैं, उन्हें मुख्य धारा से हमने जोड़ने का प्रयास किया है। उत्तराखंड में लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन की चेकिंग लगातार चल रही है। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के अभियान के साथ साथ वाहन चालकों की लंबी उम्र को लेकर वाहन चेकिंग अभियान में बिना हेलमेट चलाने वाले वाहन चालकों को चलान के पैसों से हेलमेट देकर बताया कि बिना हेलमेट वाहन चलाना पुलिस की नजर से बचना ही नहीं बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना भी है। जसपुर कोतवाल जगदीश ढकरियाल ने भी ये अनोखा अभियान चलाते हुए एक दिन में करीब 2.5 दर्जन से अधिक लोगों को हेलमेट वितरित किए हैं। तो मैं देख रहा हूँ लोग हेलमेट नहीं पहन रहे, तो मेरे द्वारा कल लोगों के मैसेज दिया गया कि अपने जब बाइक चलाते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए आप हेलमेट अवश्य प्रयोग करें। और कल हमने जो है चालान की जगह सभी लोगों को चालान न करते हुए उनको उसी पैसे से, उसी धन जो चालान की धनराशि है उसी से उनको हेलमेट खरीदवाया और पहनाया। और हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि घर से बाहर निकलते हैं बाइक से तो हेलमेट अवश्य पहनें ताकि आपकी जान माल की सुरक्षा हो। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मौसम में परिवर्तन की संभावना जताई है। बताया ये भी जा रहा है कि 28 सितंबर तक मॉनसून की बारिश की उम्मीद है और मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने भी कहा कि प्रदेश भर में मौसम में परिवर्तन 28 सितंबर तक दिखेगा। हालांकि इसके बाद मौसम शुष्क रहने की भी संभावना है, लेकिन तापमान में अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी, बारिश की संभावना भी जताई गई है। 25 के लिए देख रहे हैं तो कुछ जगहों तक में खासकर कुमाऊं रीजन में मिलनी चाहिए और कहीं कहीं पर जो है जो हमारा गढ़वाल रीजन भी है उसमें भी उत्तराखंड में मिलनी चाहिए 25 तारीख में। तो इस तरह की स्थिति है। आज भी अगर देखेंगे 24 को तो आज भी आइसोलेटेड एक्टिविटी खासकर हिल्स में या अंदर के डिस्ट्रिक्ट में उनमें कहीं कहीं मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे कल से जो ये तापमान है आपका इसमें कमी आनी चाहिए। आज तो हो सकता है कि ये वैल्यू इतना रह जाए, तो ये स्थिति बनी है। तो इसमें मुख्य कारण यही है कि 4 से 5 दिन कोई बारिश नहीं हो रही है, आसमान साफ है और अच्छी खासी जो धूप है वो निकल रही है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के आदेशों का पालन ऋषिकेश में नहीं हो रहा। पुलिस और परिवहन विभाग भी शायद आदेशों का पालन करना भूल गया है और यही वजह है कि ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में दोपहिया वाहन चला रहे चालक और पीछे बैठने वाले सवारी हेलमेट नहीं पहन रहे। जबकि मुख्य सचिव के आदेशों में साफ साफ कहा गया कि दोपहिया वाहन चलाने पीछे बैठने वाली सवारियों को हेलमेट अनिवार्यता से जो है वो पहनाया जाए, लेकिन ऋषिकेश में नियम तोड़कर दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस और परिवहन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसमें मुख्य सचिव के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा। हालांकि मुख्य सचिव का यह आदेश राजस्व में बढ़ोतरी के लिए नहीं बल्कि सड़क हादसा होने पर दोपहिया वाहन चालकों की सलामती के लिए भी जारी किया गया है। फिलहाल बुढ़े में इतना ही, नमस्कार।